ये दिल को झकझोरने वाली कहानी है। 3 साल की सौम्या ने महज 1 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। अब कोविड की वजह से उसने अपने पिता को भी खो दिया है। पिता की मौत के बारे में पता नहीं होने के कारण सौम्या रोज अपने पिता के मोबाइल पर कॉल करती है। छोटी बच्ची को अपने मृत पिता को बुलाते हुए देखकर अपनी भावनाओं को रोक पाना मुश्किल है। कोविड महामारी ने सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ छीना है। इस जानलेवा वायरस ने लोगों की खुशियां छीन ली है। कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने के बाद कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। हालांकि एक छोटी बच्ची अपने मृत पिता को नियमित रूप से बुलाती है। कोविड से अपने पिता की मृत्यु से अनजान है। अन्ना लास्ट मई 28 के कोविड इंदागे एक्सपायर आ रहा। 1 महीने पहले मेरे भाई की मौत हो गई और मेरी भाभी की 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। तब से सौम्या मुझे ही अपनी माँ कहती है। उसे अपनी माँ से ज्यादा लगाव नहीं, क्योंकि जब वो 1 साल की थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन उसे अपने पिता से लगाव है, इसलिए वो अपने पिता के बारे में पूछ रही है। अपन बगे मातादागली अपन बगे हेळदागली मार्तिरताळे अपन वस्तुगळन्न यारु मुट्टवागिल्ल। इस छोटी लड़की को देखो, वो अपने पिता को अप्पा अप्पा कह रही है। 3 साल की सौम्या अपने पिता को नियमित रूप से बुला रही है। उसके पिता शरण कर्नाटक के शिवमोगा के होस्कोप्पा गांव के रहने वाले थे। जब वो 1 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। तब से उसके पिता शरण ही उसकी देखभाल करते थे, लेकिन महामारी ने उनकी भी जान ले ली और उनकी बेटी अनाथ हो गई। अप्पा मंगू ये जागी दे। अप्पा मनो हिवागा नम जवाबदारी। मेरे माता पिता भी बूढ़े हो रहे हैं। सौम्या के साथ साथ मुझे अपने माता पिता की भी देखभाल करनी है। संपूर्णवागी ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಕೋವಿಡಿಂದಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋವು ನಮಗೆ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಶರಣ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇ ಏಕ್ ನಿಜಿ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಕಾರ್ಯರತ್ ಥೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಿ ಪಹಲಿ ಲಹರ್ ಮೇ ಪಿಛ್ಲೆ ಸಾಲ್ ಲಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಛೋಡ್ ದಿಯಾ ಥಾ ಶಿವಮೊಗಾ ಮೇ ಉನ್ಹೆ ಏಕ್ ಛೋಟಿ ಸಿ ನೌಕರಿ ಮಿಲ್ ಗಯಿ उन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए संस्कृति फाउंडेशन की स्थापना की। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने अपनी संस्कृति फाउंडेशन के माध्यम से कोविड के दौरान संकटग्रस्त लोगों की मदद की। अखिला ही सौम्या की देखभाल कर रही है, लेकिन सौम्या को अभी भी विश्वास है कि उसके पिता काम पर गए हैं और अभी तक घर नहीं आए हैं, इसलिए वो अपने पिता को एक दिन में 4 से 5 बार कॉल करती है। शायद यह उनकी नियति है। सौम्या की तरह कई बच्चों ने कोविड की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान शरण ने लोगों में कोविड के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने लगभग 10,000 लोगों को निःशुल्क N95 फेस मास्क, गरीबों को सैनिटाइजर और फूड किट बांटे। एक कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते हुए शरण कोविड से संक्रमित हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। शरण की बहन अखिला अब सौम्या की माता और पिता दोनों है, वहीं उसकी देखभाल कर रही है। इस कठिन समय में हम चाहते हैं कि सौम्या अच्छे स्वास्थ्य के साथ बड़ी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।